जो सेव बनाने के लिए आ रहे हैं उनके लिए आप क्या हिदायत देना उनको तो चाहेंगे? शेव नहीं है, शेव तो बिल्कुल बंद है। अच्छा बाद बहुत दिनों के बाद आज आपकी जो ये शॉप खुली है, तो आपको जो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में क्या आपको जानकारी मिली है और कैसे आप जो भी कस्टमर आ रहा है उसको हैंडल कर रहे हैं बताइए। कस्टमर है, मैं दुकान के अंदर एक कस्टमर चाहिए। जी दूसरा बार बाकी जो केतर दी रही है जी मतलब दस्ताने ला के टोपी ला के जी मतलब करके कोरोना का पालन करके सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ हैगा जी, फिर ये शीशा वगैरह सब कुछ रखा हुआ है हमने जी इसके ला के कर रहे हैं कटिंग जी। वैसे करके और कस्टमर जो आ रहा है कटिंग करवाने के लिए उसके लिए क्या हिदायतें हैं ये? उसके लिए अगर मुँह से उतारना है इसको अच्छा मास्क जी ऐसा ला के रखना जी। और जो दूसरा इसकी जो कोई शेव वगैरह करवाना चाहे तो उसके लिए शेव शेव बिल्कुल हमें शेव कोई नहीं करनी है जी, शेव बिल्कुल और नहीं कटिंग करनी है जी। जैसे 1 मीटर की दूरी बना के रखना वैसे कटिंग करते हैं जी। तो बहुत दिनों के बाद आपकी जो दुकान खुली है कैसा महसूस हो रहा है और इतने दिन कैसे गुजारा किया आपने? गुजारा किया बस करिया जो था मतलब था थोड़ा रूम खा लिया जो था कमा के क्या जो कमा के रखा था जी। बाकी है मेरा खुली खुशी है थोड़ा चलो 4 पैसे आएंगे कमाएंगे बच्चे को भी खिलाएंगे जी। तो जो सेब बनाने के लिए आ रहे हैं उनके लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? उनको तो सेब नहीं है, सेब तो बिल्कुल बंद है। अच्छा वो जो कटिंग की जाएगी शेप बिल्कुल कटिंग करी जाएगी। अच्छा दाढ़ी कोई कटिंग ही नहीं है, शेप बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और भी कटिंग। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।